Hi, Bob. जय हिंद साथियों, मैं रोहित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ एग्जामपुर टीचिंग स्कूल पर। उम्मीद आप सभी बढ़िया होंगे। कैसे हो आप सभी, फटाफट से एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप सबके क्या हाल है। जी हाँ, सभी सभी लोग एक बार कमेंट करके बताएंगे कि आप सभी कैसे हैं, आप सबके क्या हाल है। और एक बार सेशन को सभी लाइक और शेयर करके आ जाइए अपने सभी साथियों के साथ में, ताकि आज के सेशन को हम बहुत शानदार बहुत बढ़िया बना सके। एक बार सभी साथी शेयर करके आएंगे। और आज की हम बात करेंगे, स्टार्ट करेंगे आज के हम इस क्लास को बहुत ही शानदार बढ़िया तरीके से। कल की क्लास में हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत कुछ कवर किया हुआ था, उसी को हम आगे कंटिन्यू भी करेंगे और उसको हम देखेंगे, ठीक है। हाँ, हम काफी कुछ कवर कर चुके थे इसमें। चलिए तो सीधे हम क्वेश्चन की तरफ ही मूव करेंगे। और चलिए फटाफट से आंसर करिए इस क्वेश्चन। आपसे ये पूछा गया है कि किस स्टेट में, हालांकि शायद मैंने कल इस क्लास को इसी सेशन मतलब इसी क्वेश्चन के साथ में एंड किया था। देव जी, अगर मैं आपको बताऊं सर, DSSB की जब बात की जाती है या फिर आपकी KVS की बात की जाए, NVS की, सर NVS का थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न चेंज है, सिलेबस चेंज है। DSSB KVS का सेम ही है एज इट इज, तो ये करंट अफेयर्स है और आपको टीचिंग के ही एग्जाम्स देने हैं। सो ये क्लास आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी, ये जरूरी नहीं कि केवल NVS वालों, सभी के लिए। मैं कमिंग मंडे से ये क्लास आपके यहाँ पे बंद हो जाएगी, ठीक है, या फिर एक दो दिन के अंदर ही अंदर हो सकता है कि ये क्लास आपके यहाँ पे बंद होके एप्लीकेशन पे हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो ऐसे बच्चे जिन्होंने एप्लीकेशन ज्वाइन किया हुआ था, अब बाकी का रिवीजन एप्लीकेशन पे ही चलेगा। बीच में मैं आपके लिए एक मैराथन एग्जाम से पहले लेके आ जाऊंगा, ठीक है, कंप्लीट रिवीजन करके, NVS का संपूर्ण रिवीजन, तो वो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसके बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा आपका। और एप्लीकेशन पे आप सीधे आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट होगी। तो ऐसे लोग जो एप्लीकेशन के हैं, तो अब उनकी क्लासेस जो है वो रेगुलर हो जाएंगी स्टार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे स्कूल चलो अभियान की हमने बात करी थी कल की क्लास में, मैंने आपको बताया भी था उत्तर प्रदेश आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा इसको लॉन्च स्टार्ट किया गया है, स्कूल चलो अभियान को, और एक आधिकारिक घोषणा है। और इसमें कहा गया कि प्राथमिक शिक्षा को जो है वो समग्र विकास आकार देने का प्रयास सरकार करेगी इसमें, ठीक है। तो हाँ ठीक, सो चलो नेक्स्ट देखो। आप में से यहाँ पर ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने एप्लीकेशन पे ज्वाइन किया हुआ था, हाल ही में सरस्वती सम्मान की बात की गई, सरस्वती सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये शिक्षा के क्षेत्र में दिए जाने वाले जितने भी पुरस्कार हैं, जितने भी सम्मान हैं, वो सभी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट बनेंगे। तो हाँ, फटाफट से इसका आंसर बताओ आप सभी की, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। ऐप की क्लासेस अब कंटिन्यू हो जाएंगी आपकी, होप्सो नहीं हो ही जाएंगी। हाँ, वो बीच में थोड़ी सी आपकी क्लासेस एक दो लेके आनी, मतलब हमें YouTube से स्टार्ट करना था और फिर उसके बाद में हम आगे की तरफ चलते हैं।
तो आप पहले तो इसका बता दो फटाफट से कि इसका आंसर क्या होगा। सरस्वती सम्मान की बात की गई है, और जब सरस्वती सम्मान की बात की जाए तो आपसे 2020 वाला भी पूछा जा सकता है कि बताइए 2020 में सरस्वती सम्मान जो है वो किसको दिया गया। 2020 में सरस्वती सम्मान किसको दिया गया था, 2021 में किसको दिया गया, ठीक, ये आपको याद रखना है। और मैंने युवा गणतज्ञ के रूप में भी, वो भी मैंने आपको बताया हुआ था कि गणतज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार 2021, युवा गणतज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार 2021 वो किसको दिया गया है, वो नीना नीना जी को दिया गया है, नीना गुप्ता को, तो वो आप याद रखेंगे, ठीक। अब यहाँ पर अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका आंसर क्या होगा, रामदरस मिश्रा जो है इसका सही जवाब होगा। रामदरस मिश्रा जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये आपको याद रखना है, ये महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही साथ में कुछ इससे इम्पोर्टेंट और चीजें बनती हैं, लाइक यहाँ से के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। तो इस के बिरला फाउंडेशन ने अनाउंस किया है जो पोइट पोइट एवं लिटरेचर है रामदर्श मिश्रा। अब देखो आपसे क्या पूछता है, केवल ये अवार्ड नहीं पूछता है, ठीक है। हाँ फन फूड एंड स्टोरी ये क्लासेस हेल्पफुल हैं, ठीक है। और यूट्यूब पे अभी बाकी का कंटेंट मैंने अभी ये मैं आपको मई तक का करंट अफेयर्स जो है वो यूट्यूब पे दे रहा हूँ, और मई के बाद का जो करंट अफेयर्स है वो आपको एप्लीकेशन पे ही दिया जाएगा, एप्लीकेशन पे ही मिलेगा। विल ट्राई कि अगर पॉसिबल हो पाया तो मैं एक मैराथन लेके आऊंगा जो कि जिसमें आपको मई से लेकर मतलब जून जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर और नवंबर, ठीक है, नवंबर में तो आपका एग्जाम ही हो जाएगा, तो अक्टूबर तक का मैं आपको दे दूंगा। हालांकि कुछ एक दो न्यूज अगर नवंबर की भी बनती है तो वो भी करा, ठीक। तो लगभग आपको ये जुलाई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर और अक्टूबर अक्टूबर तक का ये 5 महीने का करंट अफेयर्स। देखो मई तक का जो मैं आप जनवरी से मई तक का दे चुका हूँ मैं ऑलरेडी आपको, ये अप्रैल हमारा चल रहा है, अप्रैल के बाद में मई, मई खत्म होते ही वाईटी की क्लासेस बंद, फिर यहीं से ऐप की क्लासेस स्टार्ट, ठीक है, ऐप पर प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी। फिर ऐप पे प्रैक्टिस जो है वो आपकी मैं कंटिन्यू करूंगा जो वो जून से करूंगा स्टार्ट, ठीक है। जून से स्टार्ट करने के बाद में फिर हम आगे की तरफ मूव करेंगे, आगे की तरफ चलेंगे, और बीच में कोशिश करूंगा मैं पर्सनली आप सभी को बोल रहा हूँ कि यूट्यूब वाले जितने भी लोग हैं अगर वो प्यार देते हैं, वो सपोर्ट करते हैं, हालांकि आपने इन क्लासेस को बहुत ज्यादा प्यार दिया है, आप लोग प्यार देते हैं, तो ये क्लासेस जो है वो आगे मैं आपके लिए एक मैराथन लेके आ जाऊंगा एग्जाम से पहले, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। हाँ, ठीक है, चल, नहीं एग्जाम पोस्टपोन होने की मत सोचो, एग्जाम होगा, पोस्टपोन होने की मत सोचो, ठीक है। तो ठीक, तो ये आपको याद रखना है यहाँ तक। और इसके बाद में अगर हम आगे चले तो यहां से आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो रामनाथ गोयनका पुरस्कार है वो किसको दिया गया। रामनाथ गोयनका पुरस्कार, रामनाथ गोयनका पुरस्कार किसको दिया गया। अच्छा मैं इसकी बात कर रहा था, तो रामनाथ गोयनका पुरस्कार भी आप लोग बता दो तब तक। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा इसको दिया जाता है। अच्छा मैं यहाँ पर ये भी बात कर रहा था कि यहाँ से केवल आपसे रामदरस मिश्रा जी का नाम नहीं पूछा जाएगा, आपसे ये पूछा जा सकता है कि रिसेंटली रामदरस मिश्रा जो है वो न्यूज में थे, चर्चा का विषय थे। अब ये बताइए आपकी इन रामदरस मिश्रा जो है वो किससे संबंधित है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, या फिर निम्नलिखित में से क्या है। तो वो क्या है, तो वो लिटरेचर प्रोफेसर है, आपके पोइट और लिटरेचर प्रोफेसर है, ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। एंड इनको ये दिया गया सरस्वती सम्मान 2021 फॉर हिज कलेक्शन ऑफ पोएम, इनकी किस पोएम किस कविता के लिए दिया गया है। तो मैं तो यहां हूं, मैं तो यहां हूं, आप वहां हो, अब मैं मेरी मर्जी की कर लूंगा, आप अगर सपोर्ट नहीं करेंगे, आप प्यार नहीं करेंगे, है ना। अगर आप चाहते हैं कि यूट्यूब की क्लासेस हो, यूट्यूब पे भी क्लासेस चले रेगुलर, तो आज ये वॉचिंग 100 करा दो, ठीक है, आज ये लाइव बच्चे 100 हो जाएंगे तो यूट्यूब की क्लास रेगुलर चलेगी, अगर नहीं कर पाए तो सोच लो फिर। तो द रेसिपिएंट्स आर सिलेक्टेड बाय अ
सिलेक्शन कमिटी करेंटली हेडेड बाय डॉक्टर सुभाष के सी कश्यप। तो ये आपको यहाँ से डॉक्टर सुभाष सी कश्यप जी का भी नाम याद रखना है, और मैं तो हूँ यहाँ, ये भी आपको याद रखना है कि इनका इनकी पोइम, इसके लिए इनको सरस्वती सम्मान दिया गया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जनरली 50 बच्चे इस क्लास में रहते हैं। अगर आप YouTube पे क्लासेस मेरी कंटिन्यू चाहते हैं तो मुझे इस क्लास में 100 बच्चा लाइव चाहिए आज। आगे देखो, आपसे कह रहा है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला पहला हिंदी उपन्यास कौन सा बन गया है, पहला हिंदी उपन्यास कौन सा बना है, फटाफट से बताओ। फटाफट से बताओ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाँ बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फटाफट से आंसर बताओ। तो यहां पर अगर हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला पहला हिंदी उपन्यास पूछा जाएगा तो आंसर आप क्या करेंगे, आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर टॉम्ब ऑफ सैंड, रेत का मकबरा, टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए दिया गया। ये भी आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अब अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हम इसमें इंपॉर्टेंट और चीजें निकालें तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या निकलेगा कि आपका जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है वो एक तो टॉम्ब ऑफ सैंड को दिया गया है, किसके द्वारा, तो गीतांजलि श्री के द्वारा दिया गया है, भाई गीतांजलि श्री। विकम द फर्स्ट हिंदी लैंग्वेज नोबल टू बी शॉर्टलिस्टेड प्रेस्टिजियस लिटरेरी अवार्ड। तो यहाँ पर ये आपको याद रखना है कि किसको दिया गया है, तो गीतांजलि श्री का उपन्यास है, उनको ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। ये बुकर प्राइज जो है वो दिया गया है, गीतांजलि श्री को दिया गया है, उनका उनका नोबल है टॉम्ब ऑफ सैंड। एंड इसके अलावा द नोबल हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय, और इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट डेजी रॉकवेल के द्वारा इसको ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में। एंड द टॉम्ब ऑफ सैंड बुक विल कम्पीट विद 5 अदर नोबल्स फ्रॉम अराउंड वर्ल्ड। एंड लिटररी प्राइज कम्स विद अ कैश प्राइज 50,000 यूरो स्प्लिट इक्वली बिटवीन द ऑथर एंड ट्रांसलेटर। तो जो लेखक और अनुवादक के बीच में समान रूप से बांटा जाएगा, ये 50,000 यूरो के नगद पुरस्कार को दिया गया है। ये किस किस में, ये लेखक और ट्रांसलेटर दोनों में बटेगा, ठीक है। अब देखो, अगर आप, मैंने आपको बोल दिया कि अगर आप YT पे YouTube पे मेरी रेगुलर क्लासेस चाहते हैं तो आज की इस क्लास में आपको 100 लाइव करने पड़ेंगे, 100 वॉचिंग जैसे ही हो जाएगी तो आपको रेगुलर क्लासेस दूंगा, अदरवाइज में भी हो सकता है कि 1 या 2 दिन के अंदर अंदर क्लास बंद हो जाए, आपकी लाइव क्लास ना चले, ठीक। बट मुझे अगर लाइव क्लास आप चाहते हैं तो 100 बच्चे लाइव होने चाहिए। आगे देखो आप कि रिसेंटली हु हैज बीन ऑनर्ड विद द 56th ज्ञानपीठ अवार्ड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% गारंटी है मेरी कि NVS का जो जनरल पेपर है उसमें इससे बाहर नहीं जाएगा कोई भी क्वेश्चन, 100% इसके बाहर नहीं जाने दूंगा, इस बात का दावा है जितना मैं पढ़ा चुका हूं। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछा है तो फटाफट से बता दो, और ज्ञानपीठ पुरस्कार में इनामी राशि भी पूछी जा सकती है, 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार भी पूछा जा सकता है। महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा किस सरकार के द्वारा की गई, सुषमा स्वराज पुरस्कार, सुषमा स्वराज पुरस्कार की जो घोषणा की गई वो किस सरकार के द्वारा की गई, सुषमा स्वराज पुरस्कार। अब ये मुझे नहीं पता मुझे नहीं पता कि आपको क्या करना है, आप शेयर करो और अपने साथियों के साथ में, जो भी आपके ग्रुप्स बने हो जहां भी हो सब जगह फैला दो आपको कंटेंट पता है कि क्वालिटी कंटेंट मेरा रहता है, एग्जाम रिलेवेंट पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूं, ठीक है। जो NVS में आएगा वही पॉइंट टू पॉइंट में बात कर रहा हूं, ठीक।
अब यहाँ पे आपको इतना याद रखना है, अब सुषमा स्वराज पुरस्कार की मैंने बात करी तो यहाँ से आपको हरियाणा याद रखना है, ये कहाँ का है, तो ये हरियाणा का है, महत्वपूर्ण है। एंड इसमें अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें कि किसको दिया गया है इस बार, तो ये दिया गया है नीलमणि फूकन को। नीलमणि फूकन आपको यहाँ से याद रखना है, इनका नाम नीलमणि फूकन का नाम याद रखना है। साथ ही साथ में 55वां आपसे पूछा जा सकता है, ये तो 56वां है, 55वां अगर आपसे पूछे कि 55वां किसको दिया गया, फटाफट से वो भी बता दो। 55वां अगर आपसे पूछा जाए तो वो भी बता दो फटाफट से कि 55वां किसको दिया गया था। ठीक है अक्कीतम, अच्युतम नंबूतिरी को दिया गया। ठीक है अक्कीतम, अच्युतम नंबूतिरी, नंबूतिरी अक्कीतम अच्युतम नंबूतिरी, ठीक है इनको दिया गया, इनको दिया गया, ये आपको याद रखना है। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जाने की बल्लवम, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। अगर 55वां पूछा जाए ना तो याद कर लेना, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जाने की बल्लवम, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। असम के मुख्यमंत्री जो है डॉक्टर हिमंत विश्वा शर्मा 2021 के लिए देश का जो सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है, असम के सबसे प्रख्यात कवियों में से एक नीलमणि फूकन को दिया गया। किसको दिया गया? नीलमणि फूकन को दिया गया। और इसमें आपका एक सॉल दिया जाता है, 11 लाख की इनामी राशि रहती है। ठीक है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट बनेगा। और ये नीलमणि फूकन जो है तीसरी व्यक्ति है असम की जिनको ये दिया गया। ठीक आगे चल नेक्स्ट देखो आप अगला प्रश्न आपके क्या आपका क्या कह रहा है कि बताइए हाल ही में किस दिग्गज बंगाली लेखक को प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार दिया गया। देखो अगर आज आप 100 नहीं कर पाते हैं तो आपको एक दिन की मैं छूट दे दूंगा, एक दिन का आपको रेस्ट दे दूंगा। लेकिन कल मुझे 100 बच्चे कल की मेरी क्लास में अगर आपने लाइव कर दिए तो परसों से आपकी क्लासेस रेगुलर चलेंगी, अदरवाइज कल आपकी ये लास्ट क्लास होगी, कल फिर आपकी यूट्यूब पे लास्ट क्लास होगी। ठीक चल इसका आंसर बताओ फटाफट से कि क्वेश्चन आपसे कह रहा है वेटरनरी बंगाली राइटर हैज रिसेंटली बीन गिवन द प्रेस्टिजियस ओ हेनरी अवार्ड, ओ हेनरी अवार्ड। तो यहां पर करेक्ट आंसर अमर मित्र, करेक्ट आंसर हो अमर मित्र। अब देखो यहां से ये भी आपको याद रखना है कि ये बंगाली वो लेखक है तो वेटरन बंगाली राइटर है अमर मित्र, और अमर मित्र वाज अवार्डेड दिस ईयर ओ हेनरी अवार्ड फॉर अ शॉर्ट स्टोरी, ये 45 इयर्स है वो लिखी गई एंड रिसीव्ड द अवार्ड फॉर हिज शॉर्ट स्टोरी गांव बोरो। ठीक है इनके द्वारा इनकी गांव बोरो जो है इनके द्वारा लिखी गई एक स्टोरी है जिसके लिए इनको सम्मानित किया गया, और एक बंगाली कहानी जिसका पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था, कुसुमपुरा का बूढ़ा आदमी इसको अनुवाद किया गया था और 2020 में अमेरिकी पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। मित्रा को 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत ज्यादा। ठीक है अगर आप चाहते हैं रेगुलर क्लास तो मुझे लगता है कि आपके लिए ज्यादा टफ नहीं है बाकी आपकी मर्जी है।
और टारगेट देना चाहिए सबको। अब एक ज्ञानपीठ अवार्ड अवार्ड जो है हमने 56वां कर लिया, हमने 55वां कर लिया। अब बारी आती है कि 57वां आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए 57वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है 2022 वो किसको दिया गया। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार फटाफट से 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार और 30वां सरस्वती सम्मान 2021। बताओ फटाफट से। तो यहां पर अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें, अगर आपसे पूछा जाएगा और डबलिन का साहित्य पुरस्कार भी पूछा जा सकता है, वो मैं बता चुका हूं आपको, डबलिन का साहित्य पुरस्कार वेलेरिया लुईस एली। अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल डबलिन साहित्य पुरस्कार। ठीक, तो अगर आपसे यहां पर ज्ञानपीठ पुरस्कार 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करेगा तो दामोदर मौजा आपको याद रखना है नाम, ये किसको दिया गया, दामोदर मौजा को दिया गया, दामोदर मौजा। ठीक है, दामोदर मौजा। और आगे अगर हम 30वां सरस्वती सम्मान की जब बात करते हैं तो 30वां जो सरस्वती सम्मान है वो किसको दिया गया, वो शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया, ये दिया गया शरण कुमार लिम्बाले। शरण कुमार लिम्बाल। अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार की जब बात की जाती है तो अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार आपको याद रखना है कि ये किसको दिया गया, ये दिया गया वेलेरिया लुईस एली को, वेलेरिया लुईस एली, वेलेरिया लुईस एली। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आगे देखो, आगे चलो अगला प्रश्न और बताओ। पूछा गया है हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक क्रंच तिमेरू नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस का विमोचन किया गया। ठीक है, हाँ,
तो यहां पर अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर की बात करें तो श्रीराम चौलिया जो है वो करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बताइए फटाफट से कि इसका आंसर क्या होगा। हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किसके द्वारा लिखित बिरसा मुंडा आदिवासी नायक नामक पुस्तक का विमोचन किया है? हाँ फटाफट से इसका आंसर बता दो। बिरसा मुंडा। जनजाति नायक। आलोक चक्रवर्ती जो है वो करेक्ट आंसर होगा, चक्रावली। और इसमें अगर हम देखें तो केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान ने बिरसा मुंडा आदिवासी नायक नामक पुस्तक का विमोचन किया, और इस पुस्तक के लेखक प्रोफेसर आलोक चक्रवाल कुलपति गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ है। यह पुस्तक भगवान बिरसा मुंडा के संघर्ष और स्वतंत्रता आंदोलन में वनवासियों के योगदान को सामने लाने का एक व्यापक प्रयास है। ठीक, तो ये आपको याद रखना है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण बनेगा। आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे यहाँ पर। हाल ही में किसके द्वारा, ध्यान से देखिए, हाल ही में किसके द्वारा लिखित डिकोडिंग इंडियन बाबूडोम नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो फटाफट से इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट से आंसर बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। अब यहां पर अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो अश्वनी श्रीवास्तव जो है वो करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? अश्वनी श्रीवास्तव जो है वो इसका सही जवाब होगा। महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। आगे चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अगला सवाल। फटाफट से इसका आंसर बताएं। कहा गया है कि बताइए हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक हियर योर सेल्फ का विमोचन किया गया है? हियर योर सेल्फ का विमोचन किया गया। हाँ ठीक है। ऐप पे क्लास का टाइम देखता हूं मैं, सुबह का ही कर लूंगा, सुबह का कर लूंगा, 11 से 12 देख लूंगा मैं, या 1 से देखता हूं मैं, स्टूडियो की अवेलेबिलिटी देखनी पड़ेगी। हेयर योर सेल्फ, हेयर योर सेल्फ है तो आंसर इसका क्या होगा? प्रेम रावत। हेयर योर सेल्फ, प्रेम रावत, इसका आंसर बताइए। कहा जा रहा है कि बताइए हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक द बॉय हु वॉट अ हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन, द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन बाई होम हैज बीन रिलीज। हाँ 1 बजे यहीं से, यही वाली क्लास खत्म होके वहीं पे स्टार्ट हो जाएगी 1 बजे ही। टाइम हमें चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। राजेश तलवार जो है वो करेक्ट आंसर होगा, राजेश तलवार। आगे देखो अगला प्रश्न और बताओ फटाफट से। क्वेश्चन आपसे कहा गया है, रिसेंटली हु हैज रिलीज्ड 2 बुक्स द मैजिक ऑफ मंगलाज जोड़ी एंड द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया। हाल ही में किसने 2 पुस्तकें द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी और
द सिख हिस्ट्री ऑफ इंडिया का विमोचन किया है? तो इसका भी फटाफट से आंसर बता दो सभी। हाँ चलो, तो हाँ यहां पर अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा? नवीन पटनायक करेक्ट आंसर होगा। नवीन पटनायक जी के द्वारा इसको किया गया विमोचन। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक जी, उनके द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। कॉफी टेबल बुक द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी और अविनाश महापात्रा और पूर्वी भारत का सिख इंडिया इतिहास, ये दो शीर्षक थे जिनको लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ये आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। आगे देखो अगला प्रश्न। अंग्रेजी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? इंग्लिश लैंग्वेज डे। अंग्रेजी भाषा दिवस इंग्लिश लैंग्वेज डे कब मनाते हैं? इंग्लिश लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है? फटाफट से आंसर करो कि इंग्लिश लैंग्वेज डे जो है वो कब मनाया जाता है। वर्ल्ड म्यूजिक डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड म्यूजिक डे। इंग्लिश लैंग्वेज डे की जब बात की जाती है, अंग्रेजी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। मैंने वर्ल्ड म्यूजिक डे पूछा है आपसे कि वर्ल्ड म्यूजिक डे कब मनाते हैं। वर्ल्ड चॉकलेट डे कब मनाया जाता है? हाँ फटाफट से बताओ, वर्ल्ड चॉकलेट डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड चॉकलेट डे की जब बात आती है तो आपको 7 जुलाई आपको याद रखना है। 7 जुलाई वर्ल्ड चॉकलेट डे कब मनाते हैं? 7 जुलाई। मैंने वर्ल्ड म्यूजिक डे पूछा है तो म्यूजिक डे जो है वो 21 जून को मनाया जाता है। 21 जून को, ठीक है, 21 जून को मनाया जाता है। अच्छा, पेपर बैग डे कब मनाया जाता है? पेपर बैग डे, पेपर बैग डे कब मनाते हैं? फटाफट से वो भी बताओ। हाँ ठीक, आंसर क्या होगा? 12 जुलाई को। पेपर बैग डे जो है वो 12 जुलाई को मनाया जाता है। हाँ ठीक है, चल खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 में पदक तालिका में कौन सा विश्वविद्यालय पहले स्थान? मई का करंट अफेयर्स आपका स्टार्ट हो चुका है, हमने अप्रैल तक कंप्लीट कर लिया है, अब मई का करंट अफेयर्स आपका स्टार्ट है। पूरा दिन इतनी ज्यादा क्लासेस होती है ना कि हालत खराब हो जाती है। आज का शेड्यूल और ज्यादा टाइट है, बहुत ज्यादा टाइट है, बहुत ज्यादा। आज पूरे दिन में 10 घंटे केवल पढ़ाना ही पढ़ाना।
केवल पढ़ाना है, कैमरे के सामने हैवी लाइट्स में खड़े रहना 10 घंटे, और फिर उसके बाद में बाकी के मतलब आंसर की बात करें तो जैन जैन यूनिवर्सिटी जो है, जैन विश्वविद्यालय करेक्ट आंसर हो, जैन यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट देखो आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन के साथ नाश्ता शुरू करने की घोषणा की है। नहीं मुझे चाय पसंद नहीं है, मुझे कॉफी पसंद है, चाय में कम मतलब पीता हूँ, मतलब मोस्टली चाय, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा, बट हाँ वो तो बस शायरी है। चलो इसका आंसर बताओ फटाफट से। चलो तो यहां पर अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है, तमिलनाडु। और ये 1st to 5th क्लास के लिए ही किया गया है प्राइमरी स्कूल्स में। प्रोवाइडेड न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट ऑन ऑल वर्किंग डेज, तमिलनाडु इज सेट टू बिकम द फर्स्ट स्टेट टू ऑफर ब्रेकफास्ट अलोंग विद मिड डे मील। ये पहला ऐसा स्टेट होगा, पहला राज्य होगा, एंड दिस इंक्लूड्स ऑल इंक्लूड्स द लंच ऑफ इंटीग्रेटेड अर्बन हेल्थ सेंटर्स विद इन द कॉर्पोरेशन एंड म्यूनिसिपल लिमिट्स। तो ये आपको याद रखना है कि किसके साथ में ये काम करना है। आगे देखो अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बताइए हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में गरीब छात्रों के लिए कोचिंग सेंटर खोलने की घोषणा की है। ये किस राज्य में किया गया है गरीब छात्रों के लिए कोचिंग सेंटर खोलने की घोषणा। एग्जाम की डेट यही रहेगा रहेगी, प्रे करो भगवान से कि यही रहे, आगे ना बढ़े। तो यहां पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें, मणिपुर जो है वो करेक्ट आंसर होगा इसका, क्या हो जाएगा, मणिपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, मणिपुर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर है, आगे चलो। बताइए फटाफट से, कहा गया है कि इंडियन रेलवेज एंड विच आईआईटी इंस्टीट्यूट हैव टाइड अप टू डेवलप इंडियाज फर्स्ट हाइपरलूप। भारतीय रेलवे और किस आईआईटी संस्थान ने भारत का पहला हाइपरलूप विकसित करने के लिए समझौता किया है। तो फटाफट से इसका आंसर बता दो। साइड क्यों नहीं होते सर, साइड में ही रहता हूँ मैं राजेश जी, मैक्सिमम केसेस में साइड में ही रहता हूँ, हाँ मैं सामने ही नहीं आता हूँ। हाँ फटाफट से आंसर बताओ।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आईआईटी मद्रास जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, आईआईटी मद्रास जो है वो इसका सही जवाब होगा, ठीक है, आईआईटी मद्रास इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका कि बताओ कहा गया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सेवा 2022 में ड्रोन लॉन्च करने की घोषणा की है, ड्रोन लॉन्च करने की घोषणा की है, फटाफट से बताओ। हाँ तो यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल जो है वो करेक्ट आंसर होगा, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल जो है वो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर गाइज, यहाँ तक सारी चीजें, यहाँ तक सभी को सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। अब इसका आंसर आप सभी क्या करेंगे मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि अब इसके लिए हम कल इसको कल यहीं से स्टार्ट करेंगे, इस क्लास को, आज के सेशन को इसी के साथ में यहीं पे एंड भी करूंगा मैं, फिर आपसे कल मुलाकात होगी। और कल का ध्यान रखिएगा, अगर 100 बच्चे क्लास में लाइव रहते हैं प्लीज ट्राई कि मैं रेगुलर आपकी क्लास कंटिन्यू कर दूंगा, अदरवाइज कल के बाद ये क्लास सीधा परसों से एप्लीकेशन पे ही आपको दिखाई देगी। हाँ फिर यूट्यूब के लिए क्लास कुछ देर तक बंद हो जाएगी। अपेक्षा ट्राई करिए, अब तो पॉसिबल नहीं है, अब तो उनकी लग चुकी है तो वो उन्हीं की क्लास लगे, अब तो आप ट्राई करिए कि आप जो है कि इनकी ही क्लास लें, अब तो शायद मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है चलिए, बाकी किसी की कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, सेशन को फिर हम इसी के साथ में एंड कर लेंगे। अब एप्लीकेशन पे ही आपकी रेगुलर क्लास चलेगी तो एप्लीकेशन को ही ज्वाइन कर लीजिएगा, मतलब जितने भी लोग एप्लीकेशन वाले हैं अब उनके लिए प्रैक्टिस स्टार्ट होगी, अभी एप्लीकेशन पे मैंने बंद कर रखी थी। ठीक है चलिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, आज के सेशन को एंड करेंगे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, लव यू सो मच, जय हिंद।